हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लोज़र मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मेक मनी अर्निंग्स के अंदर जो है मेरी वीडियोस देखते हैं। तो जहाँ तक मेक मनी अर्निंग्स के बारे में, मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो जो है बाद में शेयर करूँगा अल्फा एम्बर्स के साथ। तो वो वीडियो जो है आप देखिएगा आज। तो आज वहाँ पर हमने थोड़ी सी जो है होल्डिंग अपनी कम की है मेक मनी ऑर्गेनिक्स में। तो उसके पीछे का क्या रैशनल है, और क्योंकि बहुत सारे लोग अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने मार्केट आवर्स के अंदर जो भी हमारे अल्फा एम्बर्स ग्रुप में जुड़े हुए थे उन सबको जो है सूचना हमने दे दी थी। तो इस तरीके से जो है अभी हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में ऊपर से जो है थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है। तो जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि और भी जो शेयर्स हैं उनमें आगे चल के प्रेशर्स हो सकता है, जिनमें हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं। उसमें से कुछ पेट्रोकेमिकल्स कंपनीज भी हैं। इसके अलावा एक कंज्यूमर रिलेटेड जो बिज़नेस है, हालांकि बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छे पैसे बने हैं, और हमारे जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं शायद वो अभी बने भी रहेंगे उसमें। लेकिन वहाँ पर भी एक अब हो सकता है कि थोड़ा सा 10 से 15% की जो है प्रॉफिट करेक्शन उसमें भी आ सकती है। उस कंपनी का नाम है एक्रेसिल इंडिया। तो इसके अलावा और कुछ जो शेयर्स हैं जिनके ऊपर आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर हैं, तो उनमें एक प्रेशर जो है बना हुआ है। हालांकि बाज़ार आज बिल्कुल फ्लैट थे, लेकिन इस फ्लैट बाज़ार में सबसे खास बात क्या हो रही है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो शेयर्स हैं, तो अगर 10% शेयर को छोड़ के जो बाकी 90% शेयर्स हैं वो धीरे धीरे करके आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो ऐसे समय पर मुझे ऐसा उपयुक्त लगता है कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि वैल्यूशंस रीजनेबल हो गई हैं या थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई हैं, तो वहाँ पर जो है आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो कर ही लेते हैं, वो और भी थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर बाज़ार के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर तेज़ी की जो चाल थी, जो आज से 2 महीने पहले हम देख रहे थे बाज़ार में, वो थोड़ी सी मिसिंग है। और आज इंडेक्स के बारे में हमने जो बात की थी वो यही बात की थी कि अगर नीचे के लेवल 16,600 टूटते हैं तो 16,500, और 16,500 टूटते हैं तो और नीचे आ सकता है। 16,700 पर एक रेजिस्टेंस है, तो उसको पार करना मुश्किल है। तो आज देखिएगा 16,683 तक बाजार गए नीचे 16,600 की सपोर्ट, और उसी के बीच में सारे के सारे ऑप्शंस के जो भी बायर्स थे उनका सारा पैसा आज ऑप्शन सेलर खा गए, चाहे वो पुट ऑप्शंस थी चाहे कॉल ऑप्शंस थी। तो आज पांचों उंगलियां घी में थी ऑप्शन सेलर की। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलर्स ने आज बढ़िया पैसे जो है बनाए बाजार के अंदर, क्योंकि जिन्होंने भी ऊपर से सेलिंग की ऑप्शंस की या कॉल किया पुट की, मोस्टली वो प्रॉफिट में थे। क्योंकि बाजार में पूरे दिन भर एक रेंज के अंदर बाजार चलता रहा, और एक जो उम्मीद थी कि अगले हफ्ते अगर पोजीशन से रोल ओवर नहीं होती है तो एक वीकनेस आ सकती है, तो वो भी ज़्यादा नहीं थी। हालांकि सुबह बैंक निफ्टी में करीबन 150 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी देखने के लिए मिली थी, तो वहाँ पे बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया था कि शायद आज कमजोरी हो जाएगी। लेकिन वो जो है दोपहर होते होते वो छट गए उसके बादल। उसके बावजूद अगर हम चर्चा करें कि किस तरीके से हमने कल बात की थी, तो उसमें एक शेयर्स के बारे में मैंने बीच में चर्चा की थी, वो था भारती एयरटेल। और मैंने कहा था कि 600 रुपये से ऊपर शायद इसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं बनेगी। और आज देखिएगा निफ्टी का जो मेन कंट्रीब्यूटर था, जिसने निफ्टी को गिराने में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो आज भारती एयरटेल ही था। इसके अलावा देखिएगा मैं आपके साथ बात करता हूँ कि कंजम्पशन के रिलेटेड स्टोरीज कैसे जो है बाजार को रोका जा रहा है, यानी कि एफएमसीजी को। और पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि देखिएगा आईटी में पूरी जान लगा ली है, फार्मा में पूरी जान लगा ली है, तो जहाँ जहाँ वैल्यूज तो लगती थी वहाँ पर जान लगा ली है। लेकिन कुल मिलाकर अब बाजार सेप्टेम्बर एक्सपायरी में जा रहा है, और सेप्टेम्बर एक्सपायरी में मुझे ऐसा लगता है कि सेप्टेम्बर काफ़ी वोलेटाइल वीक होने वाला है, वोलेटाइल सॉरी मंथ होने वाला है। और जो नेक्स्ट वीक है वहाँ से आप शुरुआत देखेंगे कि अब एक वोलेटिलिटी बनेगी। वर्ल्ड के बाज़ार जो हैं काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वर्ल्ड मार्केट से भी, और स्पेशली वर्ल्ड मार्केट में तो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अगर हम पिछले महीने की बात करें, हम अगस्त की मतलब जो एक्सपायरी से पहले, तो जो अगस्त के महीने में अगर हम बात करें तो ताइवान के बाज़ार, कोरिया के बाज़ार, जापान के बाज़ार और कुछ एशियन मार्केट्स में बाज़ार नीचे से कंसोलिडेट करके ऊपर आ गए हैं। यानी कि करीबन करीबन इस महीने के दौरान अभी भी इस पिछले हफ्ते में 4% जो है एशियन मार्केट्स ऊपर आए हैं। उससे पहले वो जो है 7-8% तक जो है
पिछले महीने के एंड से लेकर अगस्त तक करेक्ट हो चुके थे, तो वहाँ पर भी जिस तरीके की वीकनेस आई तो हमें भी लगता है कि उसी तरीके की, कि 5-6% बाजार नीचे जाने के बाद दोबारा से कंसोलिडेट होके जो है आएंगे, तो वो शायद हमें लगता है कि एक जो है मौका बनेगा जहाँ पर कि इंडेक्स के अंदर अच्छे शेयर्स आपको अच्छे भाव पे मिल सकते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उनमें एक सेलिंग प्रेशर पॉइंट रह सकता है, और यही शायद मेरी जो आकलन है यही शायद आज जो है हमें अपने कुछ शेयर्स में प्रॉफिट बुक करने के लिए जो है बेताब कर रहा था, और उसी कड़ी में हमने आज जो है मेघ मनी के शेयर्स में जो है थोड़ी सी सेलिंग की, और हालांकि बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं थी, थोड़ी सेलिंग की है। अभी भी पोर्टफोलियो का जो है मेरा सबसे बड़ा शेयर मेघ मनी ग्रुप के ही शेयर्स हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोग आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो इसलिए उसकी चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख भी इसीलिए रहे हैं कि सर आज मेघ मनी के बारे में बताएंगे या नहीं बताएंगे। तो आप लोगों को भी मैंने बहुत सारी बातें जो है बता दी हैं कि जो भी मेरा जो भी तरीका है वो आपके सामने आ जाए। उसके अलावा देखिएगा निफ्टी 50 के अंदर कैंडल देखिएगा ग्रीन बनी है, डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, अनडिसाइसिव है, आपको तो इंडेक्स में पता चल रहा है ना प्लस है ना माइनस है, 2 पॉइंट का क्या प्लस और क्या माइनस, तो फ्लैट बाजार। और कल की रेड कैंडल के बाद जो है एक ग्रीन कैंडल, अब ये इस तरीके के जब बाजार होते हैं तो जनरली इस तरीके की जो डोजी कैंडल होती है उसके बाद एक बड़े मूव आने की संभावना रहती है। बट मुझे पता नहीं पर्सनली क्यों ऐसा लग रहा है कि सितंबर के महीने के अंदर एक बार बाजार नीचे जरूर होके आएगा, और कम से कम 16,200 और 16,300 निफ्टी में एक बार तो जो है शायद आता हुआ आपको नजर आए, और बैंक निफ्टी में हो सकता है कि 1,500 पॉइंट तक भी नीचे बाजार एक बार घूम के आ सकता है। और ये हालांकि होता है तो ये बाजार को वास्तव में स्ट्रेंथ ही देता है, और लेकिन उस परिस्थिति में आपको देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनमें काफ़ी पेन हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा इंडेक्स में तो कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर 200-400 पॉइंट अगर निफ्टी कम भी हो जाता तो उससे कुछ नहीं है, लेकिन जो 200-400 पॉइंट निफ्टी कम होता है ना उसमें जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो गिरावट अभी होती है, क्योंकि पहले तो नहीं हो रही थी, पहले हम इंडेक्स को देख नहीं रहे थे, इंडेक्स के साथ डीकपल कर रहे थे स्मॉल कैप और मिड कैप, लेकिन अब इंडेक्स के आगे चल रहे हैं। तो अब देखिएगा अगर इंडेक्स थोड़ा गिरता है तो स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा गिरते हैं, और रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC लाइफ, ब्रिटेनी और HUL ये आज जो है बाजार को रोके हुए थे। और मैंने कहा था कि कल भी आपके साथ कि रिलायंस को जो है लगा देंगे बुल्स, कि भाई बाजार को गिरने से बचाने के लिए रिलायंस का सहारा लेंगे, आज वो लिया अभी ICICI बैंक, HDFC लाइफ, ब्रिटेनी और HUL। और उधर भारतीय एयरटेल मैंने आपको बोला कि ऊपर से जो है 600 रुपये के ऊपर जब भी भारतीय एयरटेल जा रहा है तो एक बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर है, तो आज आप भी गया फिर नीचे आ गया। JSW स्टील, इन्फोसिस, SBI, ITC, और हो सकता है कि आपको भारतीय एयरटेल 550-560 रुपये तक भी इस सितंबर के महीने में शायद आपको मिल जाए एक बार। इसके अलावा कंपेयर करें अगर निफ्टी की परफॉर्मेंस को बैंक निफ्टी के साथ, तो आज बैंक निफ्टी जो है और निफ्टी मोर और लेस एक जैसे ही रहे। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बात करें तो देखिएगा एडवांसेस सुबह करीबन 1150 के आसपास थे, और 1150 से शाम होते होते एडवांसेस 901 पर आ गए, यानी कि ज़्यादा थे अभी भी। और डिक्लाइन जो सुबह करीबन 550-550 के आसपास चल रहे थे वो बढ़ते बढ़ते 833 हो गए। तो इसका मतलब है कि फ्लैट बाजार में भी आप ब्रॉडर मार्केट का नज़रिया देखेंगे तो डिक्लाइन वाले शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, और ये लाइन अब पिछले महीने की तरह काटना शुरू हो गई है। सुबह यानी कि डिक्लाइन की जो लाइन होती है वो नीचे होती है और फिर बढ़नी शुरू होती है। तो अभी 2-3 दिन में तो लेके भी सौदे बनेंगे किस साइड बनेंगे, तो पहले बाजार में सौदे बनेंगे, तो आपको ये नहीं है कि एक ही दम वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, बट आपको देखना पड़ेगा कि सौदे किस साइड बन रहे हैं। तो शुरू में जो इनिशियल 1-2 दिन होते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े सौदे बनते नहीं हैं एक्सपायरी के बाद, तो क्योंकि वॉल्यूम थे नहीं आज, अगर पूरा बाजार की जो एक्सपायरी वाला जो माहौल था वो आज था नहीं, आज तो ऐसा लग रहा था वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी लगी नहीं रही थी। और आप देखिए FMCG मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उसी को रोके हुए हैं, ब्रिटेनिया, टाटा कंज्यूमर दोनों प्लस थे, HDFC लाइफ ये कल भी प्लस था आज भी, भारत पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल के रेट थोड़े से कंफर्टेबल हो गए हैं नीचे आ गया, डिविडेंड की डेट नज़दीक आती है तो भी इसका इम्पैक्ट आता है, तो भारत पेट्रोलियम का प्राइस देख के तो बहुत लोग खुश हो रहे होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.26, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.21, SCL टेक 1.13, और HDFC बैंक, सॉरी ICICI बैंक का 700 रुपये पे जो है ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, तो हालांकि 700 के आसपास ही बंद हुआ।
इसके अलावा एक्सिस बैंक की 1% की तेजी, श्री सीमेंट, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, नेस्ले, तो देखिएगा चार जो FMCG कंपनी है वो प्लस में बंद हुई हैं। टाटा कंसल्टेंसी ये फ्लैट बंद हुआ है। भारतीय डेल में 4% की गिरावट, यही मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी कि ये शायद 600 रुपये पर नहीं रुकेगा, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला। JSW स्टील, हिंडालको, मारुति सुजुकी, SBI, पावर ग्रिड, सन फार्मा, इनमें कमजोरी थी। फार्मा में अभी कमजोरी बनी हुई है, बट फार्मा में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी का लंबे समय का नज़रिया हो तो बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जो है करने के लिए शायद फार्मा स्टॉक तैयार हो रहे हैं। और इसके बाद NTPC, टाटा स्टील, हीरो मोटो, टेक महिंद्रा, ITC, डॉक्टर रेड्डीज, और अभी मुझे लगता है कि 700 रुपये के आसपास अगर सन फार्मा मिलता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छी बेट बन सकती है। फार्मा पे मैं कभी आपके साथ बाद में चर्चा करूँगा कि मुझे आज भी लग रहा था कि शायद अगर बाज़ार नीचे गिरेगा तो फार्मा को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज बाज़ार को फ्लैट ही बंद करना था, तो इसलिए ज़रूरत नहीं थी किसी को, ना तेज़ी वालों को ना मंदी वालों को। निफ्टी बैंक आज 35,600 के आसपास घूमता रहा, थोड़ी देर 700-800 के आसपास जाने की कोशिश करता था, लेकिन देखिए जैसे 800 के आसपास जाएगा तो बाज़ार में सेलिंग आ रही थी, तो यही निफ्टी बैंक की आज विडंबना थी। अब निफ्टी बैंक की अगर कैंडल को आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल है, क्योंकि सुबह माइनस में चला गया था। उसके बाद हालांकि ये कंसोलिडेशन वाली जो कैंडल है और जो 35,000 से जो बाज़ार उठ के आया है, क्योंकि अगर इस हफ्ते के लो देखेंगे तो 35,000 के नीचे थे, तो वहाँ से एक वीक के अंदर अगर हम देखें तो अच्छा किया नीचे से, और इससे पहले वाले जो वीक में अगर हम जाएँ 2 वीक थे तो वहाँ पे 35,500 के ऊपर ही बाज़ार जनरली काम कर रहा था, तो अभी 35,500 जो एक बीच में मिड लाइन है उसी पे काम कर रहा है, 35,500, 35,600, 35,500 के नीचे बाज़ार मंदी की तरफ आ सकता है, 35,300 एक अच्छी स्पोर्ट है, और 35,800 काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर। तो जो भी कुछ होगा, हालांकि 35,300 के बाद 35,000 आ सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन 35,000 के नीचे 34,800 बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट है, तो 34,800 से लेके 35,800 एक अच्छी रेंज है शायद ट्रेड करने के लिए अभी भी ट्रेडर्स के पास। और आज जो डेटा है ये सही अपडेट नहीं है, तो जहाँ पे तेजी थी वो मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ, ICICI बैंक, एक्सिस, RBL, बंधन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद फेडरल बैंक में 2% की कमजोरी थी, पंजाब नेशनल बैंक 1.78, SBI 1.32, तो SBI पे नज़र रखिएगा। SBI हालांकि अपनी स्पोर्ट के आसपास आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा SBI जब भी 400 रुपये तोड़ दे, हालांकि अभी 10 रुपये दूर है, लेकिन SBI के अंदर अब वो मोमेंटम नहीं है जो हम पहले देख रहे थे, तो SBI का मोमेंटम कम हो रहा है, तो हालांकि अपनी स्पोर्ट के पास है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है इसके अंदर भी। HDFC बैंक में पूरे के पूरे महीने भर मजबूती देखने के लिए मिली, और वो उस न्यूज़ के बाद देखने के लिए मिली कि भाई इनको क्रेडिट कार्ड अलाउ हो गया है दोबारा से इशू करना, लेकिन इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो ICICI बैंक ने पिछले 2-3 महीनों के दौरान, हमें पर्सनली ऐसा लगता है जो हमारी बात हो रही है लोगों से जो बैंकिंग से जुड़े हुए लोग हैं, कि ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छी प्रेजेंस जो है की है HDFC बैंक के कोर एरिया में, तो HDFC बैंक का काफ़ी बड़े हिस्से के अंदर जो है ICICI बैंक चैलेंज दे रहा है, वो शेयर प्राइस में भी ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने जो है निराश किया है अगर पूरे महीने की बात करें तो, क्योंकि मैं आपके साथ आज से 4 महीने पहले 5 महीने पहले एक स्प्रेड बताता था और एक कॉन्ट्रा ट्रेड मैं आपके साथ बोलता था कि भाई आप किस तरीके से जो है एक आर्बिट्राज प्ले कर सकते हैं, कि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में 100 रुपये का गैप होता था, और मैं ये कहता था कि जब भी ये गैप 100 रुपये से कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या करिएगा कि एक्सिस बैंक को बेचिए और ICICI बैंक को खरीद लीजिए। तो ये एक समय पर ऐसा गैप था जो 150 रुपये का था, अब ये गैप केवल और केवल 50 रुपये का रह गया, तो ये गैप मतलब आपको बहुत कम रिस्क के साथ आपको 100 रुपये का बेनिफिट मिल गया दोनों के बीच में। बट अब मुझे लगता है कि गैप बिल्कुल नैरो हो गया है, अब शायद ये गैप जो है अपने मिनिमम लेवल पर आ गया, तो जो लोग इस तरीके के ट्रेडर लेते हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि अब शायद इस तरीके के ट्रेडर से निकल जाने का सही समय है। इसके बाद पुट कॉल रेशियो देखिएगा, 2 तारीख की पुट कॉल रेशियो में ज़्यादा कॉन्टैक्ट है नहीं, लेकिन नॉर्मल है, ना कोई तेजी है ना कोई मंदी है। आज FIs ने 1974 करोड़ बेचे, DIs ने 1,000 करोड़ खरीदे। अब आप कह रहे कि सर FIs बेच रहे हैं और DIs खरीद रहे हैं तो आपको क्यों लगता है कि बाज़ार एक बार नीचे आ सकता है? मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, इसका रीज़न है हमारे HNI इन्वेस्टर्स। देखिएगा HNI इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल स्मॉल कैप और मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग किया पिछले महीने। अगर वो HNI इन्वेस्टर्स
इंडेक्स में भी बेचने लगे या स्मॉल या मिड कैप में अपनी सेलिंग को कंटिन्यू रखे, तो उसका इम्पैक्ट जो है मिड कैप में भी आ जाता है, क्योंकि जब आम पब्लिक का पैसा नहीं बन रहा होता है स्टॉक मार्केट में, तो जनरली नया पैसा आना बंद हो जाता है, या कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स के रिडेम्पशन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स भी फर्दर बाइंग नहीं कर पाते हैं, और बाजार जो है वैल्यूशंस वाइज ऊपर के लेवल पर हैं, और ऐसा नहीं है कि वैल्यूशंस बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, तो और रिजल्ट्स जो है वो ठीक ठाक थे, और नेक्स्ट क्वार्टर में हमें जो अगला क्वार्टर आएगा ऐसा कुछ भी हमें इंडस्ट्री में भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि कोई बहुत बढ़िया या एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स अगले जो है क्वार्टर में आने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बाजार थोड़ा सा थकता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो अक्टूबर में रिजल्ट्स आएंगे वहाँ पर कोई बहुत बड़ा इंप्रेसिव रिजल्ट की हम इंडिकेशन हमें नहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि फिर जब दिसंबर क्वार्टर आएगा तो फिर फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अच्छा करती हुई आपको नज़र आ सकती हैं, बट ये क्वार्टर एक थका हुआ रिजल्ट देने वाला हो सकता है अगर हम ब्रॉडर बेस पर भी बात करें। और जब लॉकडाउन खुला ख़त्म हुआ तो कुछ कंपनीज़ की कॉस्ट भी बढ़ती हुई नज़र आई, और साथ में अभी अर्निंग्स में ग्रोथ शायद नज़र नहीं आ रही, और शेयर प्राइस पहले ही बढ़ चुके हैं, तो बाजार शायद उन चीज़ों को भी जो है कंसिडर करेगा। और सबसे खास बात ये कि जो कमोडिटी कंपनीज हैं उनके प्राइस तो बढ़ गए थे फिनिश गुड्स के, अब रॉ मटेरियल की कीमत भी बढ़ती जा रही है, तो जो मार्जिन्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और कुछ हद तक आप देखेंगे कि जो कमोडिटी से या कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके भी मार्जिन से कम हो सकते हैं। हालांकि FMCG एक जो है अच्छी वैल्यूशन पर अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा गिरावट जो है लगती भी नहीं है, क्योंकि FMCG एक स्टेबल बिजनेस होता है। और उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर किसी भी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फार्मा पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुका है, तो फार्मा में को एक रीबाउंड किया जा सकता है। तो फार्मा में मुझे लगता है कि निचले लेवल पर अभी भी खरीदारी के मौके हैं, अगर आपका व्यू थोड़ा सा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म का है तो फार्मा बहुत ही अच्छी वैल्यूशंस पर अभी भी उपलब्ध है सिलेक्टिव फार्मा कंपनीज। उसके बाद देखिएगा इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स क्या कहता है, इंडेक्स के अंदर 208 करोड़ की सेलिंग है, कुछ भी नहीं है, इंडेक्स ऑप्शंस खरीदी है 1930 की, तो इंडेक्स में कुछ भी नहीं था, स्टॉक के अंदर इन्होंने इतनी बाई कर ली जितनी कैश में सेल करते हैं, तो अल्टीमेटली FIs के डेटा न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि जितना वो कैश में बेचते हैं उतना ही वो स्टॉक फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो भी दारोमदार है वो अब मिस्टर इंडिया या जो हमारा HNI इन्वेस्टर्स है उसके हाथ में है, तो वो तभी खरीदेगा माल जब बिल्कुल नीचे आ जाएगा, और वो नीचे का इंतजार करेगा, या जो हमारा स्मार्ट इन्वेस्टर है मिस्टर इंडिया, या वो ऊपर के लेवल पे बेचेगा। तो अभी ऊपर के लेवल पे माल बिक रहा है, कौन बेच रहा है पता नहीं, लेकिन ये बात पक्का है कि नीचे जो बाइंग वाली जो सेंटीमेंट है वो जरूर से जरूर वीक होता जा रहा है। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो के अंदर ट्रेडर्स के एंगल से बात कर रहे हैं, तो ट्रेडर देखिएगा निफ्टी के अंदर 16,600 का बेस मान के चलिएगा, जहाँ पर कि पुट में 35,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, 46,810 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टोटल, और 16,700 पे एक रेजिस्टेंस मान के चलिएगा जहाँ पर 36,628 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ पे अगर आप आएंगे तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इस 16,700 के बाद वो आपको नजर आएगा 16,800 पे, और फिर उसके बाद है 17,000 पे, 16,900 पे कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है बीच वाली में। और नीचे अगर आप पाएंगे तो मंदी की तो तेज़ी की तरफ अगर देखेंगे तो पुट राइटिंग है 16,500 पर और 16,600 पे, तो यहीं पर बेस है। 16,500 तो बहुत बड़ा बेस है, 16,500 नहीं टूटने वाला बहुत जल्दी से, 16,500 अगर टूट गया और क्लोजिंग बेसिस पे टूट गया तो फिर तो देखिएगा, मैंने आपको बोला कि जो इस महीने के अंदर जो मुझे लगता है कि 16,300 16,200 तक बाजार जा सकता है, फिर उस लेवल पे भी जा सकता है। तो इस महीने में जो है वोलेटिली आने की मुझे काफ़ी अच्छी संभावना लगती है। इसके अलावा बैंक निफ्टी के अंदर डेटा है ही नहीं, तो बैंक निफ्टी में डेटा है ही नहीं, क्या बात करें इसमें। तो हालांकि 36,000 में जो है 19,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, तो रेजिस्टेंस है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे भी ऐड होते हुए 35,800 में, लेकिन आज 35,600 में भी 10,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो जो 35,800 पिछले एक्सपायरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेजिस्टेंस थी वो शायद अब 36,000 पर शिफ्ट हो गई है इस बार। और कुल मिला के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो 35,500 पर है, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, उसके बाद कहीं कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो 35,000 पर है, तो अभी डेटा है ही नहीं इसके अंदर ज़्यादा कुछ। तो अब कल जिस तरीके से ट्रेड बनेंगे फिर उसके हिसाब से डेटा जो है यहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर आज का जो है एनालिसिस हम ख़त्म करते हैं,
और बीच में जो मेरे अपने कुछ रैशनल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हुआ नजर आया। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।